माय डियर एनर्जेटिक फ्रेंड्स एरिस, नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में जो लास्ट महीने में जो आपका अक्टूबर महीना एक्सपेंसिव रहा, कुछ हद तक कुछ पार्टनरशिप का प्रपोजल भी आया, और वो पार्टनरशिप का प्रपोजल आप मंगल बदलने के पहले, यानी कि मंगल बदल रहा है 15 नवंबर को, उसके पहले आप उसको कन्फर्म करने की कोशिश करो। इस महीने में आपका देखिए 7th हाउस में सूर्य नीच राशि का हुआ है, 6वें स्थान में, रोग स्थान में शुक्र नीच राशि का, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ये महीना आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ये टाइम टू लर्न, टाइम टू लव है, कुछ मोहब्बत करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम, और अपने हेल्थ के लिए और अपने स्पाउस के गुस्से के लिए थोड़े केयरफुल रहो, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। 18 अक्टूबर से सूर्य को जल चढ़ा के ही जाइएगा, कम से कम 2 महीने तक, यानी कि 15 दिसंबर तक। जब तक सूर्य आपके 8th स्थान को भी पार नहीं कर लेता, तब तक सूर्य को जल चढ़ा के ऑफिस जाइएगा, कॉलेज में जाते हैं तो पानी चढ़ाइएगा, सूर्य को कहीं भी जाते हैं सुबह सूर्य को जल दीजिएगा, और हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। 7th हाउस में जो मंगल आया है, ये पार्टनरशिप का प्रपोजल, विवाह का प्रपोजल भी देगा, कोई अच्छा प्रपोजल भी देगा। इस महीने में केयरफुल रहने वाली तारीख है आपको, एक फर्स्ट डे यू हैव टू केयरफुल, कीप योर डिसीजन पेंडिंग फॉर फर्स्ट ऑन फर्स्ट, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा पहले तारीख का। 26, 27, 28, 29 इसको कैलेंडर पे मार्क करो, ये 5 दिन को 26, 27, 28, 29 और फर्स्ट, इस दिनों में 26 to 29 तो आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए यह महीना बहुत बढ़िया है, आपके लिए कुछ नई आइडिया ये आपको सिखा के जाएगा, और आप जो भी है, जहां भी है, मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, बटवा भरा रहेगा 7 से 11 तारीख को। 7, 8, 9, 10, 11 किसी को उधार दिया है, वापस मांगना है बेस्ट टाइम, उधार दीजिएगा नहीं, उधार वापस मांगने का टाइम। और ये महीना बढ़िया रहेगा आपके लिए सीखने के लिए, ये महीना खत्म होने के पहले ये महीना आपके दामन में कुछ न कुछ सिखा के जाएगा, कुछ अच्छा डाल के जाएगा। अब शुक्र 6 में है तो अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मौज मजे में नहीं पड़िएगा। राहु 12 में आया है, विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस को करके बहते जल में नारियल बहाना है। इस महीने में 13 नवंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 1 नवंबर, 16 नवंबर और 30 नवंबर चतुर्थी है, गाय को गुड़ खिलाइएगा इस दिन, हो सके तो गणेश मंदिर घर के पास हो, हनुमान जी का मंदिर हो तो दर्शन करने जाइएगा, क्योंकि मंगल बाद में अष्टम में जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपमानजनक सिचुएशन में डालेगा आपको 16 नवंबर से 27 दिसंबर में, उस अपमान से बचना है तो ये मैंने जो बोला वो करिएगा। और अगर मेरा डेट वाइज वीडियो देखना है तो मेरा लंबा वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली वो एकदम ज्यादा डिटेल में। और इस महीने में 12 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन करने का दिन है, मैं इसका डिटेल में वीडियो दूंगा, सिटी का नाम भी दूंगा और आपका कौन सा वक्त होगा अच्छा शुभ आपके लिए। इसमें स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश का महत्व ज्यादा है, लग्न 2 घंटे का, नवमांश और 13 मिनट का, तो 2 घंटे का कैलकुलेशन और उसमें भी 13 मिनट का कैलकुलेशन मैं आपको आपके सिटी के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।